हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या नया चेंज है, जीएसटी के पहले की सिचुएशंस क्या थी, जीएसटी के बाद की सिचुएशंस क्या है, और अब ये नए एरा के अंदर 2017 में व्हेन वी आर टेलिंग कि जीएसटी हैज़ बीन एक्टिव, वी कांट थिंक अबाउट द ओल्ड पैरामीटर्स, पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस, पैटर्न ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट व्यू पॉइंट। स्टूडेंट व्यू पॉइंट भी इतने सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सर्कुलर का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा सीए एग्जामिनेशंस के अंदर। लेकिन सबसे पहले हमें वो पता चलना चाहिए कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आईपीसीसी के अंदर 40 मार्क्स का रहेगा, सीए फाइनल के अंदर 100 मार्क्स का रहेगा। सबके लिए ये पहला चैप्टर तो मस्ट है, क्योंकि दोनों लेवल पे उन्होंने इसी साल मई 2018 से इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए फॉर आइदर इट इज़ आईपीसीसी और फॉर फाइनल द चैप्टर रिमेन्स सेम। जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मेनी टाइम्स पीपल फील कि भाई जीएसटी बिल्कुल नया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं डियर फ्रेंड्स। ये जो एक्ट है वो नया है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स सालों से इंडिया में था ही, बहुत सारी कंट्रीज में भी है। जीएसटी आने के बाद अगर हम आपको बताना चाहें कि भाई बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, एक्साइज जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर लगता है, वैट विद इन स्टेट जब हम गुड्स परचेस सेल करते हैं उस पर लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गुड्स जाते हैं तो उस पर लगता है, तो ऐसे काफ़ी सारे टैक्सेस जो थे उन सबको उन्होंने सबस्यूम कर लिया है। सबस्यूम वर्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उन सबको उन्होंने एब्जॉर्ब करके एक नया टैक्स जो जीएसटी है उसे लेके आए हैं। इम्प्लीमेंट हो गया है जीएसटी डियर फ्रेंड्स फ्रॉम 1/7/2017 से। बेसिक चैप्टर के एंगल से जब हम पढ़ते हैं, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए फास्ट ट्रैक इसे गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें से सम टॉपिक्स आर सच के वो शायद इंस्टीट्यूट हमें 2 मार्क में 3 मार्क में 4 मार्क में पूछ सकते हैं, जज कर सकते हैं कि भाई आपने ये ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। बाकी इस चैप्टर को मैं अपनी तरफ से अगर मैं कहूँगा रेटिंग वाइज, तो इस चैप्टर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। मई 18 की एग्ज़ाम के लिए हम मान सकते हैं कि इसमें से शायद वो 4-5 मार्क का पूछ सकते हैं। रीज़न बींग सब पहली बार पढ़ रहे हैं, सबको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए उस एंगल से, बट एट द लेटर स्टेज वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस चैप्टर का वेटेज उतना सारा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमें पता चलना चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स डियर फ्रेंड्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, और टैक्स की अगर हम बात करें तो 300 BC फ्रॉम कर्टिलियस एरा, उस ज़माने से किंग जो रहते थे वो लोग भी टैक्स लेवी करते थे। एक्टर्स, डांसर्स, जो लोग पैसे कमाते हैं उनसे थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं, और फिर वो पैसे लोगों के हित के लिए हॉस्पिटल्स में रोड्स बनाने के लिए, स्कूल्स के लिए, इंटरनल डेवलपमेंट के लिए वो पैसे इस्तेमाल किए जाते थे। तो वी कैन से द मनी इज़ टेकन फ्रॉम द पीपल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द पीपल। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बुक मैंने आपको बोला है डियर फ्रेंड्स, हमारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले लेंगे तो हमारा टारगेट कोर्स कम्प्लीसन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आपको उतनी सारी थियरी लिखनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो आगे, तो इट वाज अ किंग्स बिलीफ ओल्ड टाइम, दे जस्ट कलेक्ट टैक्सेस जस्ट एज सन ड्रॉज मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक 1000-fold। मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स लोगों से लेना है और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट करके लोगों को वापस देना है। पुराने ज़माने में भी इंडिया में ऐसा ही था कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे तब हमें टोकन अमाउंट देने पड़ती थी, उसके बाद ही आप दूसरे स्टेट में एंटर कर सकते हैं। जैसे आजकल दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में अगर गुड्स हमें लाने हैं तो वो गुड्स लीगली अगर आप ला रहे हो तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी भरने के बाद ही वो गुड्स आप दूसरी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही मैंने आपको बताया, द रेवेन्यू कलेक्टेड इन दिस मैनर इज स्पेंट ऑन सोशल सर्विसेज, सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, न्यू विलेज एंड अदर एक्टिविटी बेनिफिशियल फॉर कम्युनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो दिस इज बेसिक टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कोई नई बात नहीं है, पहले भी थी और अभी है। ब्रॉडली अगर हम डिफरेंस की बात करें कि सर बेसिक डिफरेंस क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली, उसका नाम ही क्या है, डायरेक्ट टैक्स, यानी वो सीधा आप पे डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है।
जैसे अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो फिर उसका स्लैब रहेगा 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं, उसके बाद जो भी स्लैब है उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर कर टैक्स भरना है। किसे भरना है? मुझे, डायरेक्टली मुझे भरना है। जो सीधा मुझसे कलेक्ट करेंगे उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स? हम इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन से परचेस करते हैं जब गुड्स, तो हम उस पार्टी को पेमेंट कर देते हैं और वो गवर्नमेंट को पे कर देती है। जैसे हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो जो मेरी इनकम है, समझो मेरी इनकम 10 लाख है, तो उस पर जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स सीधा मैं ही गवर्नमेंट को पे करता हूँ, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे मिस्टर एक्स जो है वो सेलर है, मिस्टर वाई जो है वो बायर है, आपने 1000 रुपीज़ का बिल बनाया, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स मान लो GST 200 रुपये ऐड किया, 1200 रुपये का आप बिल बनाओगे। मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई से 1200 रुपये लेगा, यानी यहाँ पे जो 200 रुपये आप टैक्स भर रहे हो वो अपनी जेब में से नहीं भर रहे हो, सामने वाली पार्टी से लेते हो, यानी आपकी कॉस्ट में ऐड कर देते हो, और फिर मिस्टर एक्स जो है सेलर वो गवर्नमेंट को पे करेगा 1200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये जो हमारा टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करेगा सेलर। अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे जो मैं मेरी बात कर रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करने वाला हूँ? मैं पर्सनली पे करना हूँ, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे भी पार्टी ने पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, लेकिन वो 200 रुपये उसने अपनी जेब में से नहीं पे किए, उसने सामने वाली पार्टी यानी बायर से कलेक्ट करके पे किए, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हमें पता होना चाहिए कि भाई बेसिक चेंज क्या है। अब हम आ जाते हैं बेसिक डिफरेंसेस के अंदर, जो अगेन एज आई सेड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमें पूछे, लेकिन हमारे नॉलेज पर्पस के लिए हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेर एज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज़ कंपेरेटिवली ईजी। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि हमें खुद भरना है, यानी अगर हमें खुद भरना है तो हम PNL हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खुद बनाएंगे, बैलेंस शीट हम खुद बनाएंगे, हम खुद बनाते हैं, यानी हम सोच लेते हैं कि भाई इस पे हमें टैक्स भरना है नहीं भरना है। आप इनकम कम दिखा सकते हो, एक्सपेंस ज़्यादा डाल सकते हो, अनलेस स्क्रूटिनी आती है, अगर गवर्नमेंट को सब चीज़ पता नहीं चलती है तो लोग कम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स बड़े कॉरपोरेट की बात नहीं करते, लेकिन लोग बड़े कॉरपोरेट हो या फिर छोटे हो, कोई भी लोग PNL वो खुद के एंड से बनाते हैं। अगर एवरीथिंग कंप्यूटराइज, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इनवॉइजिंग, तो बात अलग है, वहाँ पे जो लैक्यूना नहीं है रेवेन्यू नहीं बताने का, तो आप पूरा टैक्स भरते हो। लेकिन अगर हम लेमेन की बात करें, छोटे बड़े बिजनेसमैन की बात करें, अगर उनका टर्नओवर 10 लाख है और अगर वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि मेरा टर्नओवर 3 लाख है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस। रीज़न बीइंग, इफ़ दे आर डीलिंग इन कैश, अगर आप कैश में डील करते हो, आपका एक्सपेंस कैश का है, अगर आपकी इनकम कैश में होती है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। हम मान लेते हैं जैसे आइसक्रीम पार्लर वाले हैं, तो आइसक्रीम जब हम लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली हम कैश देते हैं। अगर उनका टर्नओवर 10 लाख है और अगर वो गवर्नमेंट को बताते हैं सर मेरा टर्नओवर 3 लाख ही है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट को ट्रेस करना है कि भाई इतने 7 लाख रुपए की इनकम छिपाई है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि उनको जो कैश मिला वो कैश वो एक्सपेंडिचर में यूज़ कर देते हैं, बैंक में सबमिट भी नहीं करते, बैंक में डिपॉजिट भी नहीं करते, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं कि टैक्स कलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स कलेक्शन इज़ कंपेरेटिवली ईजी। सर क्यों ईजी है? सबसे पहले तो वो आपको आपकी जेब में से भरना नहीं है, इसीलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सामने वाली पार्टी से लीजिए और सरकार को दे दीजिए। पुराने ज़माने में एक्साइज था, एक्साइज क्या था, जब आप फैक्ट्री गेट से गुड्स निकालते हो उस टाइम आपको टैक्स पे कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे आपके पास बहुत स्कोप ही नहीं रहता कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट करने का। अगर आप कर सकते हो तो वो तब कर सकते हो अगर आपकी पूरी चेन ही ऐसी है, यानी ऊपर से मैन्युफैक्चरर चोरी कर रहा है, होलसेलर चोरी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर चोरी कर रहा है, तो बात अलग है। अगर ऊपर से मैन्युफैक्चरर जेन्यून एक्साइज भरते हुए गुड्स आगे बढ़ा रहा है, तो वो अपने आप ही आपके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। दे आर इम्पोज ऑन पर्सन, डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे है।
देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन यानी आपको आपकी जेब में से पे करना है, उसका मतलब आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो बर्डन आप पे खुद रहेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया कि हम बायर से गुड्स खरीदते हैं, जब बायर गुड्स खरीदते हैं उसी से हम GST या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, उसका मतलब हम बोल सकते हैं देयर इज ए क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। यहाँ पे लोअर कलेक्शन कॉस्ट है, यहाँ पे इंक्रीज इन एंटी सोशल एंड इलीगल एक्टिविटीज है। सर ये बेनिफिट तो डायरेक्ट टैक्स के एंगल से लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स है तो यहाँ पे नेगेटिविटी हुई। तो ये डियर फ्रेंड डायरेक्ट टैक्स में क्या, अगर लोग टैक्स नहीं भरते तो डिफिकल्ट है पकड़ना, वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट पेनल्टी रख देती है, आप टाइमली रिटर्न भरिए, अगर आप ये करते पकड़े गए तो ये पेनल्टी लगेगी, अगर आपने ये प्रोविजन वायोलेट किया तो आपको ये पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पुराने टाइम एक्साइज में जब फैक्ट्री गेट से गुड्स निकलते हैं एक्साइज भरनी थी, तो वो लोग क्या करते थे, पीछे के दरवाजे से गुड्स निकाल देते हैं, या फिर जब भी उनको टैक्स नहीं भरना होता है वो कुछ ना कुछ स्मगलिंग एंटी सोशल एक्टिविटी करते रहते थे, जिससे क्या होता है कि उनको एक्साइज भी भरना ना पड़े। तो दैट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ब्लैक मार्केटिंग होता है। डायरेक्ट टैक्स इज नॉट इन्फ्लेशनरी, अगर मान लो हम टैक्स जो भरते हैं या फिर मुकेश अंबानी जो टैक्स भरता है या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन जो टैक्स भरता है, उसकी वजह से प्याज के भाव या कोई भी ऐसे नेसेसिटीज़ के भाव, दूध के भाव या ऐसी कोई भी चीज़ जो है उसका रेट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल आपको याद होगा, हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि जो 1000 रुपये की गुड्स थे उसके अंदर हमने 200 रुपये टैक्स ऐड कर दिया तो 1200 का हो गया। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स आता है आपकी प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि आप 100 रुपये की चीज़ लेने गए, उसने बोला सर GST 18% है, तो आपके लिए क्या हो गई 118। कई बार क्या होता है उसका क्रेडिट मिलता है, लेकिन क्रेडिट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स, उसमें पूरा चैप्टर नंबर 6 है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहाँ पे हम ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई किस तरह से हमें क्रेडिट मिलेगी, किस तरह से हमें क्रेडिट नहीं भी मिलती है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए वो होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब रहता है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली ही कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्लैब सिस्टम नहीं। फिर मेजर इनडायरेक्ट टैक्स पुराने ज़माने में तो काफ़ी सारे रहते थे, अभी तो इनकम टैक्स है, यहाँ पे अदर्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स और GST दो ही चीज़ रही है। आपको शायद अगर उन्हें पूछना है तो एज आई सेड ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के सेलियंट फीचर्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के एंगल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मोर देन 50% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इज़ फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स। यानी गवर्नमेंट के अगर पास 100 रुपीज़ इनकम होती है तो 50 रुपये से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स में है, यानी यहाँ पे सेलियंट फीचर्स में जो गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स अगर आप देखते हो तो ये सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट है उनका, जहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स तो रखेंगे ही। कई बार लोग बोलते थे कि पुराने टैक्स चले जाएगा, GST इज गोइंग टू बी ईजी, वहाँ पर टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। देखो टैक्स बर्डन कम हो जाता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेनिफिट ऑफ क्रेडिट, लेकिन गवर्नमेंट लॉस करके हमें बेनिफिट कराएगी ऐसा तो कोई स्कोप है नहीं। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट उन्होंने निकाला था, हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे टैक्सेस जो है वो पर्सन पे नहीं है, हमने बात की इट इज़ ऑन कॉमोडिटीज एंड सर्विस, इसीलिए है ना उसे हम कॉमोडिटी टैक्सेशन भी कहते हैं, इसीलिए हम उसे कॉमोडिटी टैक्सेशन भी कहते हैं। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, जो हमने डिस्कस किया ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है, सामने वाली पार्टी से हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए हमने हमारा बर्डन सामने वाली पार्टी पे शिफ्ट कर दिया। तो वी कैन से देयर इज़ ए क्लियर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इन इनडायरेक्ट टैक्स। वाइडर टैक्स बेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वाइडर टैक्स बेस। सुनो बच्चों, यहाँ पे अपनी बैच है, मान लो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरी बैच है हमारी 50 बच्चों की, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा कि इनकम टैक्स जो भर रहा है वो तो मैं अकेला भर रहा हूँ, बाकी ये पूरी जो बैच है 50 लोगों की उसमें से कौन टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। तो अभी तो आप लोग स्टूडेंट हो, आपकी इनकम है नहीं, अगर होगी तो भी 2.5 लाख तो है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ये पूरे क्लास में 51 लोगों में इनकम टैक्स भरने वाला मैं अकेला हूँ,
लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स हम सभी लोग भर रहे हैं, सभी लोग 51 के 51, और मे बी प्रोबेबल ऐसा हो सकता है कि कई जगह पे आप मुझसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स भरते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हो जाता है, बेस ज़्यादा, क्योंकि आप लोग सब जब इंटरनेट का रिचार्ज करते हो तो उसमें जीएसटी लग जाता है, आप लोग सुबह उठ के ब्रश करते हो तो ब्रश पे जीएसटी लग जाता है, पूरे दिन में जितनी भी चीज़ आप यूज़ करते हो एमआरपी वाली उन सब पे जीएसटी लगता है, और रात को सोते वक्त जब आप गुड नाइट चालू करते हो तो उस पर भी आपने जीएसटी पे किया है। इन शॉर्ट, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हम सब ने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है, जब डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मैं अकेला ही पे करता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्ट टैक्स का बेस हो गया छोटा 51 में से 1, और इनडायरेक्ट टैक्स का बेस हो गया बड़ा 51 में से 51। तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि वाइडर टैक्स बेस हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में, यानी गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार वो लोग बोलते हैं विल प्रमोट अ सोशल वेलफेयर। सर वो क्या होता है सोशल वेलफेयर, इनडायरेक्ट टैक्स से क्या लेना देना? तो लोग बोलते हैं कि हम हाई टैक्स लगा देंगे हार्मफुल प्रोडक्ट पे, उसे हम वो लोग सिन गुड्स भी कहते हैं। सर वो क्या होता है, जो गुड्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जैसे हम सिगरेट्स की बात करते हैं, हुक्का की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं शराब की, अल्कोहल की, तो ये सब चीज़ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा टैक्सेशन लगा देगी। ज़्यादा टैक्सेशन यानी नॉर्मल रेट से डबल, 3 times, उससे क्या होगा, उससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी और वो प्रोडक्ट हो जाएगी महंगी। अभी हमने देखा था उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन। तो क्या हो जाएगा कि कोई 100 रुपये की चीज़ है, आप उस पर 80 रुपये 80% अगर टैक्स लगा देते हो तो 180 की हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या मान रही है, यहाँ पे मैं ऐसा ही बोलूँगा कि गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि वो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो लोग उसे कम खरीदेंगे, और जो भी खरीदेगा तो गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स की थियोरी फेल हो गई है। एजुकेशन बढ़ने की वजह से इंडिया में जो लोग पहले बोलते थे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा लोग शराब कम पियेंगे, जैसे एजुकेशन बढ़ेगा लोग सिगरेट कम पियेंगे, उनके एंगल ऐसे थे कि एजुकेशन की वजह से लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, और अवेयरनेस आने की वजह से ये जो प्रोडक्ट है विच आर हार्मफुल टू हेल्थ वो कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है सर्वेस के हिसाब से। अल्कोहल एंड सिगरेट इज़ एवरग्रीन इंडस्ट्री, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा हर बार उसमें ग्रोथ ही होता रहता है, इवन दो टैक्सेस बढ़ा देते हैं। वो बात अलग है कि मैंने देखा है कि सीए के बच्चों में जनरली ये कम देखा जाता है, क्योंकि उनको किताब देख के ही नशा आ जाता है। बराबर, जैसे ही किताब पढ़ते हो आपको कोई दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी उसी से आता है, मज़ा भी उसी से आता है, मेहनत भी उसी पे करते हो, और रिज़ल्ट आने पे मिठाई भी उसी की खुशी में बांट देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया प्रमोट सोशल वेलफेयर के बाद क्या होता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो हमने बात की उसकी वजह से ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड विल लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। फिर हम बताते हैं इट इज़ अ रिग्रेसिव इन नेचर डियर फ्रेंड। सर वो क्या होता है रिग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो आप पे टैक्स का बर्डन बढ़ता रहता है। अगर 2.5 लाख तक इनकम है नो टैक्स, उसके बाद 10%, उसके बाद एक स्लैब के बाद 20%, एक स्लैब के बाद 30%, थोड़े करोड़ आप कमा लेते हो तो उसके बाद सरचार्ज। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्स में कैसा है, आपकी इनकम कुछ भी हो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है, इट रिमेंस फ्लैट। जैसे मान लो मेरी इनकम 20 लाख है और मैं सुबह पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लेके आया 5 रुपये का, तो उस पर मैंने जो GST पे किया, या फिर कोई मिस्टर एक्स है यहाँ पे जो बैठे हैं अपने मिस्टर रमेश, वो जाके सुबह पार्ले जी का बिस्किट लेके और उनकी इनकम 1 रुपया भी नहीं है, तो उनके लिए भी प्राइस टैग 5 रुपये ही है। उसका मतलब अगर वो 5 रुपये के अंदर GST 50 पैसे है तो मैंने भी 50 पैसे पे किए, उसने भी 50 पैसे पे किए, यानी 20 लाख की इनकम वाला भी 50 पैसे और जिसकी इनकम नहीं है वो भी 50 पैसे। उसका मतलब क्या होता है, इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। तो जनरली इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर, रिच एंड पुअर। सेंटेंस देखिए डियर फ्रेंड्स, रिच एंड पुअर हैव टू पे सेम रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सर्टेन कॉमोडिटी ऑफ मास कंजम्पशन, दिस में फर्दर इंक्रीज इनकम डिस्पेरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से, देर इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स इतने सारे लोग भरते हैं लेकिन किसे पता नहीं चलता कि हम भर रहे हैं।
इसलिए उन्हें दुख नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि साल के अंदर अगर हम 50,000-60,000 तो इनडायरेक्ट टैक्स भर देते हैं और उसका ब्रेकअप उन्हें हम देंगे, तो उन्हें लगता है अरे सरकार तो हमसे बहुत सारे पैसे ले चुकी है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप छोटे बच्चों की बात करते हैं, आप लोग जैसे जो टू व्हीलर आपके पापा आपको ला के देते हैं 50,000 रुपये का, कोई भी एक्टिवा या बाइक, तो आपको पिंच नहीं होता क्योंकि पैसे आपने नहीं दिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, वो अगर आपको पॉकेट मनी देते हैं 200 रुपये 300 रुपये और हर 2 दिन में 100 रुपये का पेट्रोल, 3 दिन में 100 रुपये का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तब आपको ऐसा लिटरल सेंस में हो जाता है कि यार कितने पैसे जा रहे हैं। क्यों जाता है ऐसा, क्यों होता है आपको कि अपने जेब में से इतने पैसे जा रहे हैं? क्योंकि वो एक्चुअली आपकी जेब में से जा रहे हैं। इवन दो यू हैव नॉट अर्नड, लेकिन आपको लगता है अभी 300 रुपये दिए थे, 200 खत्म हो गए, वापस मांगने पड़ेंगे। तो ये हो जाता है आपको डायरेक्ट पिंच। दूसरा क्या होता है, जब हम कोई जगह पे जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे ये बॉटल हमने खरीदी तो हमें लगता है ये 10 रुपये की चीज़ है, या फिर मान लो हमने कोई कीबोर्ड खरीदा, हमें लगा 400 रुपये की चीज़ है, हमें पता ही नहीं चलता वो 400 रुपये के कीबोर्ड के अंदर 50 रुपये GST है। उसके वजह से क्या होता है, हमें आइडिया ही नहीं है कि हम इतना टैक्स पे करें। जैसे पेट्रोल अगर जब 100 रुपीज़ का लेते हैं, उसका ब्रेकअप नहीं आता क्योंकि पेट्रोल की क्रेडिट नहीं मिलती, पेट्रोल GST में से भी बाहर है। अगर उन्होंने ब्रेकअप करना शुरू किया कि 50 रुपये का पेट्रोल है, 25 रुपये की एक्साइज है, स्टेट एक्साइज है, 10 रुपये का सेंट्रल एक्साइज है, 15 रुपये का वैट है और 100 रुपये, तो हमें बहुत ही दुख हो जाएगा कि यार 100 रुपये के पेट्रोल में 50 रुपये तो सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन वो आम जनता को पता ही नहीं, इसीलिए उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि हम कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। और जब डायरेक्ट टैक्स पे करने की बात होती है, जो अपनी जेब में से भरना है, तब तो हम प्लान कर लेते हैं एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा के या इनकम कम दिखा के। तो दैट इज़ नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच डियर फ्रेंड्स, सिंस द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस, मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्स पेयर पेस विदाउट एक्चुअली नॉलेज दैट ही इज पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट, दस टैक्स पेयर डज नॉट परसीव ए डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस।